हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अब से मतलब ये हम ये एक इकोनॉमिक्स का एक एस्टेट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एस्टेट अभी होगा, जिसका नोटिफिकेशन हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी किया है, उससे संबंधित हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। आपको जैसा कि पता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के एस्टेट में क्या है कि 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें पता है कि इसमें माइक्रो भी है, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस जो हमारे इकोनॉमिक्स की हैं उनसे संबंधित बहुत सारे यानी 60 क्वेश्चंस आपको आपके एस्टेट में मिलेंगे। तो हम उन 60 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे यहाँ पर। आपको डेली का डेली ये मान के चलिए कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊं, और इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट होंगी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एस्टेट होगा उसमें बेसिक कंसेप्ट पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा कोई डीपली आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो जो आपके सिलेबस का दायरा होगा पीजीटी इकोनॉमिक्स का, वो स्टडी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। तो अब हम आज इस वीडियो में सबसे पहले जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन को। तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हो कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। यानी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस प्लस नेमी। ये दो वर्ड हैं, ओइकोस प्लस नेमी, इन दोनों वर्ड से मिलके बना हमारा इकोनॉमिक्स। तो बात करें सबसे पहले ओइकोस की और नेमिंस की। ओइकोस मीन्स क्या होता है, हाउसहोल्ड, क्या होता है, हाउसहोल्ड। और नेमिंग मीन्स क्या होता है, मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, ओके। यानी हाउसहोल्ड का मैनेजमेंट करना, गृह प्रबंध करना ही क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। अब बेसिक सा आप सभी को पता है कि जो हमारी डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है। यानी सॉरी, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और डिजायर्स अनलिमिटेड है। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे सामने प्रॉब्लम हुई ना कि हमारे पास साधन तो कम है लेकिन हमारी जो इच्छाएं आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाएँ और हमें पेन खरीदना है, 10 रुपये वाला पेन खरीदना है। हम दो लोग चले जाते हैं पेन खरीदने के लिए, और मार्केट में बुक शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप को कहते हैं जी पेन दिखाओ, और हमें पसंद आ जाता है 20 रुपये वाला पेन, और हमारे पास पॉकेट में कितने हैं, 10 रुपीज़। प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना वही सेम, कि हमें हमारी जो इच्छा, हमारी जो आवश्यकता है वो 20 रुपये वाला पेन खरीदने की है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 10 रुपीज़ हैं ओनली। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, या तो अपने फ्रेंड को कहेंगे कि 10 रुपीज़ आप मुझे एक बार दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ये भी मैनेजमेंट हुआ कि वो पेन हमारे पास आ जाए, या उस शॉपकीपर को आप बोलोगे कि आप 10 रुपये कल ले लेना, तो मैनेजमेंट हुआ ना। उसी प्रकार की मैनेजमेंट हमारे इकोनॉमी के अंदर होती है कि जो हमारी डिजायर्स हैं, क्योंकि आप अगर हम इंडिया की भी बात करें तो नियर बाई 120 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन, और सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड से हैं, तो उन सभी की इच्छाओं को पूरा करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो उससे संबंधित जितने भी कार्य करने पड़ते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी हम किस में ऐड करते हैं, इकोनॉमिक्स में ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। यानी अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करना विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी कार्य करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स में हम शामिल करते हैं। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। सबसे पहले इकोनॉमिक को डेफिनेट डिफाइन करने वाले, सबसे पहले 1776 के अंदर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एडम स्मिथ ने। हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, इन्होंने 1776 के अंदर इनकी बुक आई थी, बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा, एन इंक्वायरी
इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक दी थी एडम स्मिथ ने 1776 में। इस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी थी वो रिलेटेड टू वेल्थ, यानी वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ ने। आपसे पूछा जाए कि वेल्थ डेफिनेशन किसके है, तो एडम स्मिथ की। कब दी? 1776 में, और इस बुक के अंदर दी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी 1890 के अंदर किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने 1890 के अंदर दी, और इनकी बुक आई थी 1890 के अंदर। बुक का नाम आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक के अंदर डॉक्टर मार्शल ने 1890 के अंदर जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो थी मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। जब आपसे पूछा जाए किसने दी, डॉक्टर मार्शल ने दी 1890 के अंदर, और इस बुक के अंदर दी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन आती है वो दी है 1932 के अंदर किसने? रॉबिन्स ने 1932 के अंदर रॉबिन्स ने। और जो इसकी डेफिनेशन थी, इनकी बुक आई थी 1932 के अंदर, बुक का नाम ध्यान रखिएगा एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 के अंदर दी। किसने? रॉबिन्स ने दी। और इसकी जो डेफिनेशन थी, इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो थी स्केयरसिटी डेफिनेशन। क्या थी? स्केयरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता परिभाषा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स की तीन ही डेफिनेशन बतानी है, वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो डॉक्टर मार्शल ने दी 1890 के अंदर, स्केयरसिटी डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दी 1932 के अंदर। ये तीन डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है, तीनों की बुक ध्यान रखनी है, तीनों के ईयर्स ध्यान रखने हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके,